सब जैसे हम तो फिल्मों में देखते हैं ना इस तरह की चीजें कि अंदर गए हैं, पार्टी हो रही है, लाइटें जरा कम है, टेबल सजा हुआ है, उस पे बोतलें शोतलें पड़ी हैं, ये माहौल आप बता पता आपको सारा है ये माहौल इसकी बात कर रही हैं मैं बिल्कुल इसकी बात। और ये बच्चे होते हैं 12 साल से 15 साल 13 14 15 साल ड्रग्स इनको एंड विद टीचर एज वेल विद टीचर्स विद टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा उसकी वजह टीचर्स क्यों होते हैं? टीचर्स ही उसकी वजह, मतलब वो उनको रोक रही होती हैं टीचर्स? नहीं नहीं, हाँ टीचर्स ही उसकी वजह होते हैं क्योंकि जहां जिन स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में टीचर्स ड्रग करते हैं उन्हीं में फिर स्टूडेंट्स करते हैं। तो मतलब ये थोड़ी हो सकता है कि अगर कोई ड्रग कर रहा है टीचर डॉक्टर साहब तो वहां पे मैनेजमेंट जो है वो अलाउ करे कि आप शाम को पार्टी करें, ड्रग करें? पैसे भी तो ले रही है ना उस पार्टी के, आपको फंड ले रही है ना, तो वो प्रोवाइड। मैं बिल्कुल भी, देखो मॉडर्न होने की निशानी वहाँ ये समझी जाती है जैसे कि ड्रग करना या अल्कोहल लेना बच्चे, ये बच्चे भी और बड़े भी, ये बड़े असल में जब मिसाल कायम करते हैं, प्रेसिडेंट सेट करते हैं तो बच्चों को फिर कहना नहीं पड़ता कि डॉक्टर साहब मुझे एक जवाब दीजिए जी, इसके पीछे मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में हकीकी फ़न कोई नहीं होता तो वो मस्नूई फ़न करना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ लाइफस्टाइल उनका ऐसा होता है जिससे कि मज़ा खो जाता है। जब वो मज़ा उनका खो जाता है तो उसको वो वापस हासिल करने के लिए मस्नूई तरीके इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये भी है, मैं बिल्कुल सर को ऐड करूँगी, बिल्कुल ठीक है सर ने। और दूसरा उसका पॉइंट ये भी है कि वो स्टेटस सिम्टम एज ए फैशन भी है, as a fashion हम ड्रग्स ले रहे हैं। हाँ जी, 13 साल के बच्चे में कुछ करने को नहीं है, वो ड्रग ले रहा है और टीचर्स साथ हैं। बिल्कुल। और ये एक इंसिडेंट आपको मैंने बताया और एक दूसरा मेरी याददाश्त में ये एक और है, उसमें तो खैर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम भी हो चुके हुए हैं। वो भी स्कूल डिफेंस के एक अलीट क्लास स्कूल का है, किसी गुलूकारा का फंक्शन था, उसका कंसर्ट था और उसके कंसर्ट पर फिर काफ़ी ज़्यादा इस तरह ड्रग वहाँ पे बहुत बहुत ओपनली ड्रग बच्चों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने यूज़ की और उसका मिसयूज़ यू कैन। मैं जरा ज़ुल्फ़िकार साहब से बात कर लूँ क्योंकि यकीन कीजिएगा ये बातों पे दिल कर रहा है कि यकीन ना किया जाए, मतलब दुआ है कि आप जो कह रहे हो वो गलत हो। ज़ुल्फ़िकार भाई आप मेरे साथ हैं, आपने सारी बात सुन, पहले तो शाह साहब ये फरमाइए कि ये बातें आपको, आप इन पे क्या टेक लेंगे कि ये बातें हैं या हमारे ख्याल हैं या हम अपनी बदगुमानी में कह रहे हैं? पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कई सालों से कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ। वैसे तो मैं बहुत से टीवी चैनल पर रोजाना ही आता हूँ और मेरी उस फील्ड में एक्सपर्टीज भी तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी आप मीडिया विश्व हाइप देख रहे हैं उसमें 80% मेरी कंट्रीब्यूशन है, सड़कों, बागों, पार्कों, तालीमी इदारों में। अभी डॉक्टर साहब जो बात कर रही थी इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं अभी एक स्कूल की बात करता हूँ डिफेंस की जी, नाम ना लीजिएगा बस जी, नाम ना किसी भी स्कूल ने डोमिनेट किया था पिछले साल, क्योंकि हमारा केस है वहाँ पे तालीमी इदारों में जो ड्रग्स बढ़ रही है सड़कों पार्कों में, उससे मेन पार्टी में हूँ। तो मुझे लाहौर हाईकोर्ट ने नॉमिनेट किया कि आप तालीमी इदारों में और जेलों का विजिट करें जो आप जेलों के अंदर इस्तलाहात रहे हैं जी। तो वो तालीमी इदारों के अंदर हेल्थ प्रोफाइल बनने जा रहा था हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, और अभी भी बढ़ रहा है। तो मैं एक डिफेंस के अस्करी 11 में एक बड़ा स्कूल है जी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा जी आप बच्चों को बारे आप नाम ना लीजिएगा, आप बात कीजिए जी जी। अस्करी 11 में वो लाहौर में डिफेंस में स्कूल था, तो मैं वहां चला गया अपने टीम के साथ। तो जब प्रिंसिपल साहब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा जी आप पहले ना चाय का अरेंज किया कर ले ताकि 3 दिन बच्चे गैदर हो जाए सारे 200-300। तो मैडम ने मुझे पहला ये सवाल किया कि हमारे स्कूल में 3 चीजें मुश्तरक हैं। मैं कहा जी वो कौन सी है? मैंने कहा वो नॉर्मल रूटीन में होगी। वो कहने लगी नहीं, पहली चीज ये है हमारे बच्चे हर रोज नई गाड़ी पे आते हैं, नंबर टू हमारे बच्चों के पास पॉकेट मनी बहुत ज्यादा होती है, और तीसरे नंबर पे हमारे बच्चे रोजाना नए अलबास पहन के आते हैं। मैंने कहा ये स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं है? देखिए जिसके पास पैसे हैं उसके पास नहीं, वो नए कपड़े पहनेगा, जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चे को भी देगा। जब मैं सर लेक्चर दे के बाहर निकला हूँ और बच्चों ने, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि बच्चे जो खासकर अपर क्लास के हैं, जो ओ लेवल ए लेवल के, इनको हर चीज का पता। मैं वहाँ लेक्चर दे रहा था, ड्रग्स की वो पिक्चर दिखा रहा था, ये चर्स है, हीरोइन है, कोकीन है, हैश है, एसएससी है, एलएसडी टेबलेट है, आइस है। वो बच्चियां हाथ खड़ा करती थी ये हमारे फ्लैटों में तो ये बंदा बेचता है। जब मैं लेक्चर दे के बाहर निकला तो 25
20 के करीब बच्चे और बच्चियां मेरे पास आके जमा हो गए, कहने लगे सर आपका लेक्चर बड़ा अच्छा था, हमने एक बात बताया। मैंने कहा जी क्या? आइसोलेशन में किस तरह हम चले गए हैं, वापस निकल सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके वालदेन कहाँ रहते हैं? एक बच्चे ने बताया मेरे वालदेन तो सऊदी है, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं दोस्तों की बुरी सोबत में चला गया। तो कहने का मकसद ये है, ये सारे बच्चों की यही क्या कहते हैं चीजें थी जो वहाँ अपर क्लास के बच्चों में। मैं क्योंकि टाइम कम होगा मेरे लिए, मैं थोड़ा सा लाहौर को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। नहर के उस साइड पे जितनी भी बड़ी सोसाइटी है, जिसमें वलंशिया, बैरिया, वागा टाउन, डिफेंस के इलाके, बरकी रोड के ऊपर जितनी सोसाइटी, रायवड रोड के ऊपर जितनी सोसाइटी, उनके बच्चे घरों के अंदर नशा कर रहे हैं। और नहर के इस साइड पे जो लाहौर है वो सड़कों, बागों, पार्कों में बैठ के नशा कर रहे हैं। और ये आपने स्टार्ट में जो बातें की हैं, मैं भी उसका आई विटनेस हूं कि मुझे भी इतने साल हो गए हैं, डॉक्टर सदाकत साहब, इमरान यकूब गवाह हैं मेरे कि मैं कितने सालों इसी फील्ड में काम कर रहा हूं।